गणपति बप्पा मोरिया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ डाइट मोदक, जिसमें कि ये गिनती के 3 इंग्रेडिएंट्स ही लगते हैं। इसमें कोई शुगर नहीं है, कोई जागरी नहीं है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये 250 ग्राम खजूर लिया है, डेट्स जिसको बोलते हैं। ये सीड वाले हैं, मुझे यही मिले थे अभी मार्केट में, और इसके सीड निकाल दीजिए। साथ में डेसिकेटेड कोकोनट लिया है मैंने 3/4 कप। ऑलमंड्स लिए हैं मैंने 3/4 कप, और सिर्फ 1 चम्मच घी लिया है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने जो खजूर है, डेट्स हैं, इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं। और तो अभी हम बादाम को भी हम बारीक चॉप कर लेंगे, ये देख सकते हैं आप मैंने कर लिया है। चलिए अब हम पैन में ये 1 टेबलस्पून देसी घी हम डाल रहे हैं, बस इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। और इसमें हम ऑलमंड्स को थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, जिससे वो थोड़ा क्रंची हो जाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत आराम से आप लोग अपना मुश्किल से 10 मिनट में आप बना लेंगे। ये देख सकते हैं ब्राउन हो गया है मेरा बादाम। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में, कलर देख लीजिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने खजूर। ये खजूर कभी कभी कहीं कहीं पर खजूर थोड़े सॉफ्ट आते हैं तो वो ठीक है, पर जैसे ये थोड़ा सा हार्ड है ना, तो हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। 1 कड़छी यानी कि 50 ml जितना हम पानी डाल देंगे, जिससे कि सॉफ्ट हो जाए खजूर। अभी आप देख सकते हैं ये देखिए, मैं 50 ml जितना मैंने इसमें पानी डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। इससे खजूर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और बाइंडिंग का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं स्पैचुला से इसको अच्छे से मैश करूँगी, दबाऊँगी थोड़ा अच्छे से ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके खजूर सॉफ्ट हैं तो आप पानी बिल्कुल मत डालना, मेरा थोड़ा सा हार्ड था तो मैंने किया है। अभी देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, आपको कलर दिख रहा है। अब हम इसके अंदर अपनी सारी चीज़ें डाल देंगे। चलिए अब जो हमने बादाम रखे थे भून के, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और जो डेसिकेटेड कोकोनट है 3/4 कप, ये भी आप डाल दो, मिक्स कर दो और गैस बंद कर दो। इसके बाद आप इनको अब और नहीं भूनना है, ये आप देख सकते हैं मैं मिक्स कर रही हूँ। देखिए अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, क्योंकि हमें डेसिकेटेड कोकोनट और ऑलमंड डालने के बाद गैस की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ठंडा होने की वेट करेंगे, थोड़ा ठंडा होगा तभी मोदक की शेप देंगे हम लोग। अभी हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में। तो ये देख सकते हैं मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे, 5 से 6 मिनट में ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको मोदक की, ये देखिए अब हाथ लगा सकती हूँ मैं इसको, पहले गर्म था ये, 5-6 मिनट में ठंडा हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप एक बार ये मोदक ज़रूर बनाना, ये मैंने कल के भोग के लिए बनाया है, गणेश चतुर्थी के लिए। और ये डाइट मोदक हैं, तो सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट से ही बनाए जाते हैं, देखिए। और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत आसान है, 10 मिनट में बन जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए मैंने शेप ही बन गया मोदक का। इसको मैं थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट से थोड़ा करूँगी सजावट के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो प्लीज़ निकाल के कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।